हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेके। तो उम्मीद करूँगी आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से, और पानी हमारे यहाँ आ गया है। आज हमारी दूसरी बारी थी तो अंजू भरेंगे पानी, और हमने घर का सारा काम कर लिया है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं आज अक्की, तो आज सुबह सुबह ही जा रहे हैं हम, क्योंकि शाम को ले आएँगे ना, तो अभी यहाँ रख के आएँगे। तो अभी मैं और मम्मी जाएंगे, हम गेहूं और मडवा लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज का हमारे मडवा का आटा भी ख़त्म हो गया है। मतलब गेहूं तो है ही, वैसे भी मडवा हो नहीं रखा था, तो कमी है मडवा हमारा। तो आज हम पिसवा के ला रहे हैं और चलते हैं। बाकी खाना अंजू बनाएंगे, दाल चावल ही बनाएंगे आज सुबह। चलते हैं, मम्मी आ रहे हैं। तो हम चले चक्की, एक कट्टा मैं लेके आ रही और मम्मी थोड़ा सा मडवा लेके आ रहे, और अंजू पहुँचाने आ रहे हैं आगे तक, क्योंकि 2 कट्टे हमारे गेहूँ के हैं, 50 किलो गेहूँ। अंजू चल रहे आगे आगे। हमारे ताई जी लोग घास को सुबह सुबह आ गए हैं, इनकी घास की डलिया भी हो गई है। बाप रे, कितने सुबह आ गए होंगे। हम चलते हैं, जाओ जाओ। तो हमने दोनों कट्टे यहाँ पे रख लिए हैं। तो दोस्तों, अंजू यहाँ तक पहुँचाने आए थे मम्मी का कट्टा, मतलब मैं तो अपना लेके जाऊँगी, तो मम्मी को थोड़ा भारी होता है, तो इसीलिए अंजू यहाँ तक पहुँचाने आए थे। अभी मम्मी पीछे से आ रहे हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मडवा भी लेके आ रहे हूँ, तो हमारे 3 कट्टे हैं टोटल, मडवा तो थोड़ा है मतलब। तो जल्दी पिसवा लेना, क्योंकि अब शादी के हमारे 10-11 दिन ही बचे हैं, तो इसीलिए पहले से आटा वगैरह पिसवा के रख लेते हैं। इसीलिए मम्मी आज सुबह सुबह जा रहे हैं, क्योंकि शाम को हम ले आएँगे ना, और आजकल घर में इतना काम हो रहा है कि हम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है इन चीज़ों के लिए, तो इसीलिए जब सुबह सुबह ही जा रहे हैं। तो अभी मम्मी का वेट करती हूँ, मम्मी तो अभी काफ़ी दूर हैं, भी आ जाएंगे। चलते हैं सुबह सुबह ही चक्की पिसवा के आएंगे। मम्मी भी आ गए हैं, मडवा इतना ही लेके जा रहे हैं हम, थोड़ा ही है मम्मी लेके आ रहे, बाकी ये 2 हैं गेहूँ 25-25। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँचने वाले हैं चक्की, मेरी मम्मी पीछे से आ रहे हैं। ओ, मेरे सामने है मडवा और गेहूँ, पहुँच ही गए हैं, आ गई हमारी चक्की है। चलते हैं, काफ़ी थकान लग गई है। इसके सामने ही हमारी चक्की है, यहाँ आड़ू छोटे छोटे हो रहे। ऐसी पकड़ना ना मम्मी, अभी तो छोटे छोटे हो रखे हैं, काफ़ी हो रखे हैं इस पेड़ में। चक्की में अपना कट्टा हम रख के आ गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ कोई नहीं है, तो शाम को आएंगे और मैं मम्मी चलते हैं घर को। वैसे तो हम घर को जा रहे हैं, पर पहले हम जाएंगे तो घास ढूंढते हैं, हरी घास। इधर को तो हो रखी है थोड़ा बहुत, हमारे वहाँ को तो घास बिल्कुल ही नहीं हुई है, तो थोड़ा घास मिली है तो ढूँढते हैं, फिर जाएँगे घर को। तो दोस्तों, हम यहीं से घास ढूँढ रहे हैं, और इस फल का नाम तो आप जानते होंगे, पहाड़ी फल है, हिसालू बोलते हैं इसको, वैसे हिशा बोलते हैं हम पहाड़ी में, तो इतने मीठे होते हैं ना। इधर को सारी इसी की झाड़ियाँ है, अभी तो इनकी स्टार्टिंग हो रखी है, तो खुले नहीं है ये देखो, कोई कोई हो रखे हैं, इतने मीठे हुए हैं ना, वाह। यही हुए हमारे पहाड़ी फल। ये देखो, ये ऐसे फंस जाते हैं स्वेटर में, काफ़ी मीठे हो रखे हैं। अभी तो हम घास ढूंढते हैं। मम्मी और मैंने लगाई है फैन, इसको गाथ भी बोलते हैं, तो इसी में हम घास ढूंढ रहे हैं। तो मैं तो नीचे पहुंच गए हैं, मैं भी ढूंढती हूँ अभी। अब हम अपनी घास को इसमें डालेंगे। अब मम्मी अपनी पोटली खाली करेंगे, मैंने खोल दिया है, एक ही में रखेंगे अब हम घास को। वैसे थोड़ा बहुत हरी घास मिल गई है इधर को, हमारे भैंस के लिए काफ़ी है, उसको हरी घास की आदत हो रही है ना इसीलिए। तो दोस्तों, एक फैन घास हो ही गया है हमारा, और इसमें मेरे को आँख भी नहीं दिख रहा है आगे को, पूरा मेरा सर इसके अंदर, और मम्मी आ रहे हैं पीछे से। अभी वो घास ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, रास्ते में हो रखे। तो दोस्तों, अभी हम खाना खाते हैं, अंजू ने बनाया है दाल और चावल, और साथ में हमारे है कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी के साथ भी भात काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है, बट हम दाल के साथ भी खाएंगे, और चटनी भी है हमारी पुदीने वाली।
दोस्तों खाना खा के मेरी मम्मी चले गए हैं ग्वाला और मैंने नहा लिया है। तो अभी अंजो में अपना काम करते हैं, मंदिर में हमने डिज़ाइन बनाना है, तो कल शाम को हमने वो थोड़ा बनाया है उसमें, अभी इसको पूरा करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है इनमें। तो हमने ये बाहर की दहलीज में तो कर लिया है दोनों में, तो अभी इनके अंदर भी है, तो इनमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो करते हैं अपना काम। अभी काफ़ी ख़तरनाक वाली धूप भी लग रही है, तो चलते हैं अपने काम की ओर। तो दोस्तों ये कल शाम हमने कर लिया था, अभी बारी है ये इसकी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और सोचना पड़ेगा क्या डिज़ाइन बनाए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी अंजू बना रहे हैं डिज़ाइन, अभी आपको पता चलेगा कि इसका फाइनल लुक कैसा है। तो अभी अंजू बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है इसका फाइनल लुक, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, मैंने ऊपर पेंट करना है। तो अंजू भी इसके किनारे साइड से ऐसे ही बना रहे हैं, फिर इधर से भी ऐसे ही बनाएंगे, फिर बीच में बनाएंगे कुछ अलग डिज़ाइन। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें इतना टाइम लग गया ना इतने में ही, तो अभी मैं इसमें पेंट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये है इसका फाइनल लुक, काफ़ी टाइम लग गया हमको, एक दो घंटे इसी में लग गए हैं, बट लास्ट में इसका रिजल्ट कुछ ऐसा मिला है। और वैसे हम इसके बीच में भी बना रहे हैं, बट इसको थोड़ा सूखने देंगे क्योंकि बीच में बनाना काफ़ी दिक्कत होगी ना, क्योंकि यहाँ से भी बनाए हैं, हाथ रखने के लिए दिक्कत हो जाती है, तो अभी बनाएंगे। वाह वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी मंदिर का लुक, अभी जब बीच में आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इस वाली दहलीज में बना रहे हैं डिज़ाइन, तो हमने सोच लिया है कैसा बनाएंगे, तो अभी हल्का हल्का ड्राफ्ट कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर से हम पेंट करेंगे डिज़ाइन। अंजू बना तो दोस्तों अभी ये कुछ ऐसा बन गया है, ये थोड़ा भरा भरा वाला बनाया है हमने, अब इसका बस बॉर्डर बचा है, बाकी ये भी अभी फाइनल हो जाएगा। और ये वाली दहलीज भी बनी गई है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे देखो आप लोग बताना कि आपको ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला। वैसे तो अभी हमको आपको हम मंदिर का फाइनल लुक भी दिखाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक मंदिर वाला सूख जाएगा। मम्मी तो गए हैं हमारे ग्वाला, और आज का वैसे मौसम भी ठीक है क्योंकि आज बादल लगे हैं ग्वाला में, वरना मम्मी का धूप में सर दर्द हो जाता है, मतलब धूप में मम्मी का हमेशा सर दर्द होता है, तो इसलिए वो धूप में कमी जाते हैं। आजकल उनको ग्वाला जाना पड़ रहा क्योंकि हम पेंट का काम कर रहे, ये फाइनल होगा तो ग्वाला मैं जाऊंगी, फिर मम्मी घर में रेस्ट करेंगे, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इसको फाइनल करना चाहते हैं। मंदिर और यही बचा है तो आज कर लेंगे इनको, वैसे कल का दिन और लगेगा इसमें, तो इसको भी फाइनल कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों इसका फाइनल लुक ये रहा, अभी हमने कम्प्लीट कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा, अपने मन से अपनी तारीफ। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताना, हमने इस साइड से खाली खाली किया है क्योंकि पूरा भरा भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी कंप्लीट हो गया है, और मम्मी हमारे ग्वाला से आ गए हैं, थके लग गए मम्मी। आज तो मौसम ठीक था, बादल लगे हैं, सुबह धूप थी। तो मम्मी के ग्वाला से आने के बाद हमने खाना भी खा लिया है और चाय भी पी ली, तो भी हमारे पेंट से भी थोड़ा ब्रेक हो गया है, अब मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रहे और हम अपने काम में फिर से लग जाते हैं। ये वाली दहलीज तो फाइनल हो गई है, बस मंदिर में फाइनल करना है, तो आज मंदिर को कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे मेन वही है और सबसे ज़्यादा वही है, तो अब चलते हैं। उस टाइम से वो पेंट भी सूख गया होगा, बस अब वहाँ थोड़ा बीच में बनाएंगे हम डिज़ाइन। अभी हम बीच में ऐसे गोल वाला बना रहे हैं, और अभी हमने सबसे सेंटर में बनाया है स्वास्तिक, और इस पर डिज़ाइन बनाना है, बाकी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसका भी।
तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो गया है हमारा मंदिर का डिज़ाइन। काफ़ी सबसे ज़्यादा टाइम आज से इसी में लगा है, जितने भी दहलीज बनाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ लगा है। तो अभी हमारा मंदिर का लुक पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो ऊपर तो हमने भगवान रखे हैं आजकल ऐसे ही। तो दोस्तों फाइनली हमारा मंदिर हो गया है। अभी तो हमारा बस ये बाहर की जो दहलीज है ये भी कर लिए हैं, इसके अंदर साइड के दो दहलीज, वैसे तो चार मान लो आप क्योंकि दो ऊपर के साइड है दो इसके अंदर हैं, तो इसीलिए इनमें ही टाइम लगेगा। बाकी तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। और सबसे मेन है हमारा किचन, हमारी जहाँ खाना बनता है वही सबसे मेन हुआ, तो एक वहाँ बचा है उसको भूल गई थी मैं, तो इतना ही बचा है, फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा एपन वाला काम। बाकी तो अभी और काम है हमारा, दीवार पे पेंट है और बाकी किचन के बाहर दरवाजे खिड़की सब है, तो फाइनली कर लिया है। और सुबह से मैंने नहाया है तो बाल नहीं बनाए, तो अभी बाल बना लेते हैं पहले, इसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है हमें। तो दोस्तों यहाँ मेरी मम्मी निकाल रहे हैं खेतों से मटर के पेड़, क्योंकि ये पूरे सूख गए हैं। ये देखो जितने मटर थे वो भी सूख गए हैं सारे, ये मटर डाल के काम आ जाएंगे हमारे। बाकी कुछ तो हरे हैं कुछ तो पूरे सूख गए हैं, और इधर साइड भी निकाले हैं, ये हमारे भैंस के लिए हो जाएगी थोड़ा बहुत हरी घास के रूप में। देखो क्या हाल हो गया इनका सूख के। और इसमें है हमारे आलू, एक आलू ऊपर निकला भी है। मम्मी देखो तो मैं खुटोती आधे मटर तो ऐसे ही निकल जा रहे ऊपर। तो दोस्तों मटर हमने जितने थे सारे निकाल लिए हैं क्योंकि सब सूख गए हैं। और मम्मी थोड़ा बहुत यहाँ खेतों की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बाकुल थे वो भी मम्मी ने निकाल लिए हैं क्योंकि अब नहीं हो रहे, भैंस को खाने के लिए हो जाएगा इतना सब कुछ। शाम के टाइम में अपने खेतों की सफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि शादी के टाइम में तो सारे खेत हमने साफ करने हैं, तो धीरे धीरे करके सफाई चल रही है हमारी। इसमें से बाकुल निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत हुए होंगे सब्जी के काम आ जाएंगे हमारे। ये रहे बाकुल, कुछ सूख गए हैं जो हमारे बीज के लिए काम आएंगे। ये देखो कुछ हरे हैं, वैसे ज़्यादातर तो बीज के ही काम आएंगे, सब सूख गए हैं। तो सारे बाकुल निकाल लेते हैं मैं और अंजू। तो दोस्तों ये है ऊपर वाली दीदी का खेत, इन्होंने यहाँ बोए हैं गेहूँ, तो ये पकने लग गए हैं। देखो आधे पक गए हैं आधे कच्चे हैं, वैसे सही टाइम पर पक रहे हैं क्योंकि हम अपने शादी के लिए मतलब टेंट यहीं लगा रहे हैं खाने का, तो इसीलिए हम सोच रहे थे जल्दी पक जाते तो अच्छा होता। वैसे तो पक ही गए हैं लगभग, देखो पीली पीली बालियाँ आई है आजकल, कोई कोई हरे हैं नीचे साइड को जो छोटे हैं, बाकी सब पक गए हैं। और वैसे हमारे यहाँ गेहूँ किसी के हुए ही नहीं है, बस इतने ही हो रखे हैं, एक ये है और सामने को भी है किसी के, बस पूरे गांव में इतने ही गेहूँ मान लो आप, तो ये टाइम पे हो भी जाएगा। और उन्होंने इधर साइड को आलू लगाए हैं, काफ़ी अच्छे हो रखे हैं उनके आलू। वैसे धनिया तो वो निकाल के ले गए हैं। और यहाँ हमारे अंजू भी अपने काम में लगे हैं नॉन स्टॉप। ये वाले खेत तो हमारे साफ़ हो गया पहले। तो दोस्तों ये देखो हमारे आलू के पेड़ में आधे आलू नीचे तो आते हैं आलू, लेकिन ऊपर भी आए हैं। ये देखो ये अलग आलू हूँ नहीं आलू खाने नहीं भाई आलू मतलब ये देखो दोस्तों ये वाले आलू ऐसे खाते नहीं, नीचे वाले ही खाते हैं, और देखने में बिल्कुल टमाटर की तरह लग रहे हैं, मैंने तो टमाटर ही समझे थे, बट ये हैं आलू। और खेत में हमने सफाई भी कर ली है, ये तो हमारे सब भैंसे खाएंगे। तो दोस्तों अभी हम अपना काम करते हैं, भैंसों को घास देना। आज हम घास को तो नहीं गई क्योंकि हम ऐसे ही खेतों की सफाई कर रहे थे, और घास भी थोड़ा भैंसों के लिए यहीं से हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।